पटना के दानापुर सीट से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव की छवि एक बाहुबली नेता की रही है। हालांकि अब खुद रीतलाल यादव ही मुसीबत में फंस गए हैं। दानापुर के दबंग के तौर पर रीतलाल यादव का सिक्का लंबे समय से चलता रहा है, लेकिन विधायक बनने के बाद रीतलाल यादव अपनी छवि बदलने में लगे हैं। लेकिन उनके इतिहास को देखकर अब दूसरे बदमाश फायदा उठाने की कोशिश में जुटे हैं। दरअसल बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के नाम का गलत इस्तेमाल कर पैसे वाले लोगों से रंगदारी मांगी जा रही है। रीतलाल यादव ने बताया कि लोग उनके नाम पर रंगदारी मांग रहे हैं, इससे वो बहुत परेशान हैं। बात आपने हमसे पूछा, इस बात को लेकर के हम बहुत पहले से कष्ट में गुजर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि बात आप लोग के बीच में हम किस आधार पर रखें, किस तरह से रखें। लेकिन समय जब आता है अच्छा तो अच्छा ही होता है। हमारे साथ अन्याय इतना हो रहा है कि मेरे नाम पे इतना लोग रंगदारी मांग रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे ऐसे मेरे पास 7-8 वीडियो है, रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पेपर का कुछ कटिंग भी है, आप लोग के बीच में हम रखना चाहेंगे। इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मेरे नाम पर रंगदारी मांगा जा रहा है 15-15 लाख रुपया। अगर जो नहीं तुम दोगे तो तुम्हारा बेटा को हत्या कर देंगे, नहीं तुम दोगे तो तुम्हारा परिवार को सत्यानाश कर देंगे। इन सारी बातों को लेकर के अनेकों घटनाएं मेरे ऊपर घट रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रियांशु सिंह नाम का एक लड़का था जो बुद्धा कॉलोनी थाना के माध्यम से पकड़ा गया, वो जमुई का लड़का था। वो भी मेरे नाम पे रंगदारी मांग रहा था कि मैं विधायक बोल रहा हूँ। पूछा गया कौन विधायक, तो उसने बताया कि दानापुर विधायक रीतलाल यादव बोल रहे हैं। इसी तरह से एक अनिल सिंह आदमी थे, उनसे भी 15 लाख रुपये का रंगदारी मांगा गया। उनसे बोला गया पहले कि आप कौन बोल रहे हैं, तो बोला गया कि हम रीतलाल यादव के आदमी बोल रहे हैं। 15 लाख रुपया कल तुम लेकर के पहुंचा देना हमको। जब वो आदमी नहीं गया तो दूसरे दिन फोन करता है कि मैं रीतलाल यादव खुद बोल रहा हूँ। वहीं रीतलाल यादव ने बताया कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा से मिलकर ये बात बताना चाहते थे, लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा। हमने सोचा था कि हाउस चलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मिलेंगे, अपने अध्यक्ष महोदय से भी मिलेंगे, हम मिल करके इन सारी बातों को रखेंगे कि अब तो अब आप लोग के शरण में हम रहते हैं। मेरे साथ ऐसी ऐसी परिस्थिति हो रही है, आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि मौका मिल नहीं पाया माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का और न अध्यक्ष महोदय से, इसलिए उनसे हम कह नहीं पाए, लेकिन आज भाई लोगों के बीच में कहने का मौका मिल रहा है। वहीं रीतलाल यादव के आरोप की जाँच सरकार और पुलिस को करनी चाहिए और दोषियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।